दरे ने ठेकेदार नीरज पाटीदार से रिश्वत की मांग की थी। 18 लाख रुपए के मंडलेश्वर में मंडी के बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान इंजीनियर द्वारा बिल पास कराने के बदले 3% राशि की मांग की गई थी। 3% के हिसाब से 50,000 रुपए लेकर खरगोन के अनाज मंडी परिसर में पहुंचा था, जहां लोकायुक्त पुलिस की टीम ने तैयारी करके नीरज की शिकायत पर इंजीनियर नरेंद्र बागदरे को ट्रेस करते हुए बंद लिफाफे में राशि रखकर दी। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। केमिकल लगे लिफाफे को हाथ लगाने से इंजीनियर के जब हाथ धुलाए तो इंजीनियर के हाथ रंग गए। इसके बाद इंजीनियर पर कार्रवाई पूरी की गई। लोकायुक्त पुलिस की इंदौर साइड टीम में महेश सोनैया सहित आरक्षक और उप निरीक्षक उपस्थित रहे। लोकायुक्त पुलिस की इंदौर से आई टीम के महेश सोनैया सहित आरक्षक और उप निरीक्षक उपस्थित रहे। आवेदक जो है हमारे नीरज पाटीदार, इनका जो है यहाँ पर बबली उपमंडी व उपमंडी मंडलेसर में निर्माण कार्य का ठेका चल रहा है। तो मंडलेसर मंडी में इनका 3 बिल का भुगतान हो चुका है, 1 बिल वहाँ का शेष है, और ये जो बबली मंडी है इसका भी 18 लाख के 3 बिल का भुगतान हो चुका है। तीसरा बिल जो है क्लियर करने के लिए इनके द्वारा 18 लाख 3% के हिसाब से उपयंत्री जो है श्री नरेंद्र बगदर द्वारा 3% के हिसाब से लगभग 50,000 रुपये की 60,000 रुपये की मांग की जा रही थी। बातचीत में इनका जो है 50,000 रुपये लेना तय हुआ था। इनकी शिकायत पर आवेदक की आज ट्रैप का आयोजन किया गया और आज इस कृषि उपज मंडी के कार्यालय के बाहर ही इनको आज रंगे हाथ से पकड़ा गया। इस कार्रवाई में कौन कौन शामिल था? हमारे साथ में इंस्पेक्टर महेश सुन्ने, मेरे साथ निरीक्षक आशा मैडम है, और आरक्षक प्रमोद, आरक्षक शिव प्रकाश परासर और एपीसी श्री विमल कुमार जैन था। अब क्या कार्रवाई होगी इसके बाद? आगे अब देखते हैं कि योजना में जो तथ्य आएंगे। बड़वाह इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बसा बड़वाह नगर